नमस्कार प्यारी भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजू हेल्प में। प्यारी जवानों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मार्च 21 तक के वर्दीधारी 15 दिवसीय प्रांतीय रक्षक दल प्रमाण पत्र प्राप्त जवानों को बैच बेल्ट नंबर उपलब्ध कराए जाने के संबंध में एक जरूरी आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के बारे में आगे वीडियो में आपको सारी जानकारी डिटेल के साथ देने वाले हैं, तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि हमारे इस चैनल पर पीआरडी जवानों से जुड़ी जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, हम आज के उस अपडेट की तरफ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, निदेशालय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल उत्तराखंड देहरादून की अपडेट है। जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी देहरादून को यह पत्र लिखा गया है। मार्च 2021 तक के वर्दीधारी 15 दिवसीय प्रांतीय रक्षक दल प्रमाण पत्र प्राप्त जवानों को बैच बेल्ट नंबर उपलब्ध कराए जाने के संबंध में उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पद संख्या, दोस्तों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, 25 अक्टूबर 2022 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मार्च 2021 तक के वर्दीधारी 15 दिवसीय कुंभ प्रशिक्षण प्राप्त पीआरडी स्वयंसेवकों को बेल्ट बैच नंबर उपलब्ध कराए जाने संबंधी स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाने का अनुरोध किया गया है। प्रमुख सचिव महोदय द्वारा बैठक में निर्देशित किया गया है कि केवल 22 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त स्वयंसेवकों को ही बैच बेल्ट नंबर दिए जाएं। पूर्व में भी यदि किसी 15 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त स्वयंसेवक को बैच बेल्ट नंबर दिया गया है तो उनके बैच और बेल्ट नंबर वापस ले लिए जाएँ। अतः आपके उपरोक्त पत्र के क्रम में प्रमुख सचिव महोदय द्वारा बैठक में दिए गए निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि केवल 22 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त स्वयंसेवकों को ही बैच बेल्ट नंबर दिए जाएं। पूर्व में यदि किसी 15 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त स्वयंसेवक को बैच बेल्ट नंबर दिया गया है तो उनसे बैच बेल्ट नंबर वापस लेते हुए निदेशालय को अवगत कराएँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पीआरडी जवानों के लिए एक बड़ी खबर है कि जिन पीआरडी जवानों ने 15 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त किया है, यदि उनको बैच और बेल्ट नंबर दिया गया है तो दोस्तों उनसे वापस ले लिया जाए और इसकी सूचना निदेशालय को उपलब्ध कराई जाए। साथ ही साथ यहाँ पर प्रमुख सचिव महोदय द्वारा बैठक में निर्देशित किया है कि 22 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त जवानों को ही बेल्ट और बैच नंबर दिए जाएं। यदि किसी 15 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त जवान को बैच और बेल्ट नंबर दिया गया है तो उनसे वापस लेते हुए निदेशालय को अवगत कराएँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, जिससे कि हमारे इस चैनल पर पीआरडी जवानों से जुड़ी जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट आए तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।